हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेंसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन स्लैशर फिल्म है, जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है, और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने, जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखे टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26, 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेंसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक
नाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंशल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जैनसन बनबे नाम जैनसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टॉनी किशान जैनसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन हॉटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेन शो में बुलाया और साझा किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जैनसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटकपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लेनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जैनसन एक्शन 2008 में सामूहिक हथियारों जैनसन ब्रिगिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले 2 वर्ष में जैनसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैनसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है जिससे दोहराया जा सकता है कि जैनसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकृत करता है लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जैनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजिंग 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जैनसन क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नॉली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर
छायांकन रेनी वी इंटूलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन, संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी, उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट, शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य, भाषा अंग्रेजी, बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेंसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रेक्षकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडिम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोबन उसे क्रायोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन स्लैशर फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेशल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेनसन बन भी नाम जेनसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेनसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हाइडुअल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से
नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखला की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लेनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की घातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकृत करता है लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजिंग 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेसन क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर छायांकन ट्रेनी वी इंटूलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन फ्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन जबकि
फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा नेंस के माध्यम से दिखाती है। एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रेक्षकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले 2 वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोबन उसे क्रायोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन स्लैशर फिल्म है, जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम
सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्त है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्त है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किसान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 92 मिनट देश संयुक्त राज्य भाषा अंग्रेजी बजट 11.14 मिलियन जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शिन कहा जाता है लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रो का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंशल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बन भी नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किसान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हाइडुअल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले
दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयाम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजिंग 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस क्रूज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर छायांकन ट्रेनी वी इंटूलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी। उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट, शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा नेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन
कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रशिक्षकों द्वारा उबर जैसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदर्शन क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जैसन बन भी नाम जैसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जैसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हैरिवल स्टेल शो में बुलाया और साझा किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जैसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडिम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जैसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेनसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जैसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जैसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जैसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोबन उसे क्रायोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन स्लैशर फिल्म है, जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जगता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है।
निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखित टॉक किसान पर आधारित विक्टर मिली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंटुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 92 मिनट देश संयुक्त राज्य भाषा अंग्रेजी बजट 11.14 मिलियन जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेंसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शिन कहा जाता है लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किसान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटकपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लेनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकार करता है लेकिन वह पेट में जुड़ा
घोपता हुआ अपने माचे से पाउडर को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर छायांकन ट्रेनी वी इंटूलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा नेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रेक्षकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंशल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेनसन बन भी नाम जेनसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेनसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साझा किया कि
मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जैसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंगलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडिम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जैसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेनसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोबन उसे क्रायोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकृत करता है लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन स्लैशर फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखे टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन फ्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका,
कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य, भाषा अंग्रेजी, बजट 11.14 बिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेंसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लेनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है, जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन
हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजिंग 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर छायांकन ड्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी। उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा नेंस के माध्यम से दिखाती है। एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शिन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रेक्षकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंशल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेनसन बन भी नाम जेनसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेनसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडिम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेनसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य
सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरु पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोबन उसे क्रायोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखे टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी। उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट, शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा नेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और
साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साझा किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटकपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लेनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले 2 वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है, जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजिंग 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेसन क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में
एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किसान पर आधारित विक्टर मेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर छायांकन ट्रेनी वी इंटूलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका कार्यकारी समय 92 मिनट देश संयुक्त राज्य भाषा अंग्रेजी बजट 11.14 मिलियन जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेंसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है। एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शिन कहा जाता है लेकिन इसे अक्सर प्रेक्षकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किसान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडिम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है।
रोबन उसे क्रोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकार्य करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेनसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन स्लैशर फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजी 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेनसन क्रोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद, जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखे टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होल्डर छायांकन ट्रेनी वी इंडुलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन प्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा। रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका। कार्यकारी समय 92 मिनट। देश संयुक्त राज्य। भाषा अंग्रेजी। बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेनसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा लेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए, जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रशिकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंशल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेनसन बन भी नाम जेनसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेनसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला
के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। केन हॉटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेन शो में बुलाया और साझा किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है जो द फ्लेनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले 2 वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रोवन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोवन उसे क्रायोजेनिक पॉड में फुसलात है और उसे स्वीकृत करता है लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको जेसन एक्शन मूवी के बारे में बताती हूँ। 2001 की अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है जो जिम एजी द्वारा निर्देशित है, जो डोनी फारम द्वारा लिखी गई है और इसमें लेक्शन डोगी, लिशा राइनर, चक केपेल और कैन हेडल ने जेनस ब्रेडल ने के रूप में अपनी चौथी अंतिम सिनेमाई उपस्थिति में यह शुक्रवार की 13वीं फ्रेंचाइजिंग 10वीं किस्ती है। 1999 में जेनस गोज टू हेल द फाइनल फ्रेडर के बाद पहली किस्ती है। फिल्म में जेसन क्रायोजेनिक रूप से जमे हुए हैं 1945 साल के लिए और 2455 में जागता है। छात्रों के एक समूह द्वारा पाए जाने के बाद जिससे वह बाद में एक एक करके पीछा करता है और मारता है। निर्देशन जिमी इंसाकी द्वारा लिखी टॉक किशान पर आधारित विक्टर बेली के पात्र द्वारा निर्मित नोली के निधम अभिमन्य नीति कैन होर्डर छायांकन ट्रेनी वी इंटूलिट द्वारा संपादित डेविड हेडमैन संगीत दिया है हेरिन मैन फ्रेडी उत्पादक कंपनियां क्रिस्टल लेक एंटरटेनमेंट शुक्रवार एक्शन प्रोडक्शन द्वारा वितरित न्यू लाइन सिनेमा।
रिलीज करने की तिथि नवंबर 2001 स्पेन, अप्रैल 26 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका, कार्यकारी समय 92 मिनट, देश संयुक्त राज्य, भाषा अंग्रेजी, बजट 11.14 मिलियन, जबकि फ्रेंचाइजी की अन्य फिल्म जेंसन का एक मानव स्लेयर क्लियर या मरे हुए रक्षक के रूप में दिखाती है। फिल्म उसे एक विज्ञान कथा नेंस के माध्यम से दिखाती है, एक पुंजीय शक्ति के रूप में मरने की उसकी अक्षमता का उल्लेख करते हुए जिसका अध्ययन किया जा सकता है और शायद दोहराया जा सकता है। और फिर क्या उसे फिंचरी एक्टिलीज और साइबर्ग में बदल दिया गया। इस साइबर्ग अपराध को टोनी इन मीडिया में जेसन एक्शन कहा जाता है, लेकिन इसे अक्सर प्रेक्षकों द्वारा उबर जेसन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, जो कला डिजाइन टीम और प्रदूषण क्रू का एक उपनाम है और जो बाद में कॉमेडी पुस्तकों जेनस एक्शन स्पेंसिल और फ्रेडल में दिखाया दिया। तेर जेसन बनबे नाम जेसन एक्शन फिल्म की काल्पनिक करते समय टोनी किशान जेसन को अंतरिक्ष में भेजने के विचार के साथ आया। स्टूडियो को सुझाव दिया कि यह श्रृंखला के लिए एकमात्र दृश्य शेष है। कैन होटन ने 1 मई 2002 को हार्डवेल स्टेल शो में बुलाया और साजिश किया कि मैं पहली बार कहानी सुनने पर साजिश के बारे में थोड़ा झिझक रहा था। जेसन एक्शन को 26 अप्रैल 2002 को अमेरिका में नाटकीय रूप से सक्षमों से नकारात्मक समीक्षा के लिए रिलीज किया गया था और $14 मिलियन के बजट पर $17 मिलियन की कमाई की। श्रृंखलाओं की अगली फिल्म फ्रेड बेनाम जेनस 2003 में रिलीज हुई। यह एडिम्स रेपी फ्रेंचाइज पर ए नाटोपुर के साथ क्राइम एवर है, जो द फ्लाइनर फ्रेडी की घटनाओं के बीच सेट है और जेसन एक्शिंग 2008 में सामूहिक हथियारों जेसन ब्रेहिंस को संयुक्त राज्य सरकार द्वारा पकड़ लिया गया और क्रिस्टोफर लेक रिचर्ड स्पेस फेस्टलिंग में रखा गया। अगले दो वर्ष में जेसन को मारने के कई असफल प्रयासों के बाद सरकारी वैज्ञानिक रूबन लास्टफोन ने उसे क्रायोजेनिक टहरवर में डालने का सुझाव दिया। डॉक्टर ब्रेमर और सार्जन मार्ग सैनिकों के साथ पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि जेसन की धातक अगवाओं के ठीक होने की क्षमता पर और शोधन होगा, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें तेजी से स्लेरू पिंजीनाम शामिल है, जिससे दोहराया जा सकता है कि जेसन अपने संयम में से मुक्त होकर सैनिकों और डॉक्टर विराम को मार डालता है। रोबन उसे क्रायोजेनिक पार्ड में फैसलात है और उसे स्वीकृत करता है, लेकिन वह पेट में जुरा घोपता हुआ अपने माचे से पाउड को तोड़ देता है। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।